Good afternoon. So ma'am, how do you feel like coming on this interview? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका इतना बड़ा चैनल है, आपके चैनल पे आना बड़ी बात है मेरे लिए, तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। मैं आप इतने बड़े पद पे हैं और ऊपर से एक वुमन है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि लड़की है लड़की इतने बड़े पद पर नहीं आ सकती, बट मैंने उन सबको मुँह तोड़ जवाब दिया है और मैं इतने बड़े पद पर हूँ। और जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मतलब फैमिली को कैसे आप फैमिली को टाइम कैसे देते हो, तो मैंने मेरे लिए जितना देश इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपको तो पता ही होगा कि हमारा इंडिया के लिटरेसी रेट में अभी जो इंक्रीज है, तो इसमें आपके क्या क्या एफर्ट्स? जैसे कि इंडिया का पहले कुछ साल पहले अगर लिटरेसी रेट देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। पहले इंडिया का लिटरेसी रेट 68% हुआ करता था, बट अब 77% हुआ है। तो इसके जो इंक्रीजमेंट पे हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगे, जैसे हमने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गरीबों को और लोगों में जागरूकता फैलाई कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्पेशली गर्ल्स जो कि विलेजेस में होती हैं, तो वो उनको बस मेल पास करा दिया जाता है, उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है। बट मैं इसके पूरे अगेंस्ट हूँ और मैं उनमें जागरूकता फैलाती हूँ कि उनको और आगे पढ़ाया जाए और उनको और अपॉर्चुनिटीज दी जाए। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ ऑलमोस्ट 20% सिटीज़ हैं और ऑलमोस्ट 80% का गाँव है, तो जो 20% सिटीज़ हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, और जो 80% गाँव है उनका एजुकेशन कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। इसके बारे में आप क्या एफर्ट्स हैं? बिल्कुल, मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे कि हमारा इंडिया बहुत डेवलप्ड और बहुत बड़ा कंट्री है, तो जो 20% जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन पूरा प्रॉपर है, बट अभी 80% जो ज़्यादा अमाउंट है वहाँ पे हमें थोड़ा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे 12th करने के बाद एब्रॉड जाते पढ़ाई करना, तो उसमें आपके क्या क्या विचार है आपके? इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, अब बच्चों के मन में जागरूकता नहीं है, उनको लगता है कि सिर्फ एब्रॉड में ही अच्छी फैसिलिटीज है, बट अब उनसे अपग्रेड हो गए, हमने इंडिया में जो फैसिलिटीज लाई है स्टडीज से। पहले क्या, अगर 10-15 साल पहले देखोगे तो 10 में से 8 बच्चे एब्रॉड जाते थे और 2 इंडिया में पढ़ते थे, बट अब हमने इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब 10 में से सिर्फ 2 बच्चे एब्रॉड जाते हैं और 8 बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट था। तो आपने जो आंसर दिया वो बहुत ही अच्छा था। मेरा ये सवाल है कि उस टाइम पहले कोविड की सिचुएशन थी,